हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लॉग रेडर्स में। और पूरे 10 दिनों के बाद फिर से मैं आ चुका हूँ काडपट्टी रेलवे स्टेशन के बाहर। और आज हमारा सफ़र फिर से शुरू होने वाला है बेंगलोर हटिया एक्सप्रेस से, जो कि हम जा रहे हैं हटिया, अपने राज्य झारखंड जा रहे हैं दोस्तों। हटिया तो पूरा सुहाना सफ़र दिखाऊँगा दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो पर। तो एक दोस्तों बात बता दूँ मैं, हमारी ट्रेन 12:25 पर छूटने वाली थी काडपट्टी रेलवे स्टेशन से, जो कि 2 घंटे पूरे लेट है, जो कि ट्रेन हमारी आने वाली है 2 बजे दोस्तों। टाइम के हिसाब से हम पहले आ गए ताकि हमारा ट्रेन छूट ना जाए, लेकिन आप तो भारतीय रेलवे का हाल जानते ही हो। कोई भी ट्रेन आज के ज़माने में टाइम से चल नहीं रही है, ट्रेन में खचमखच भीड़ है, भेड़ बकरियों की तरह लोग जा रहे हैं। और आज भी वही मेरे को देखने को मिल रहा है, हमारी ट्रेन भी 2 घंटे लेट है, 2 बजे ट्रेन आने वाली, इसलिए हम काडपट्टी रेलवे स्टेशन पर वेट कर रहे ट्रेन का। तो ये हाल है दोस्तों हमारे इंडियन रेलवे का। तो बने रहिएगा वीडियो पर, पूरी जर्नी दिखाएंगे ट्रेन की और ट्रेन का क्या हालात है वो भी दिखाएंगे, तो बने रहिएगा। और ये जो मेरे सामने आप ऐतिहासिक आर्किटेक्चर देख रहे हैं दोस्तों, ये है विल्लौर काडपट्टी जंक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं। और हमारे ठीक सामने जो है ये रिजर्वेशन टिकट वाला का काउंटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं। थोड़ा स्क्रीन को मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, वो सामने आपको मिल जाएगा रिजर्वेशन टिकट के लिए, और लोकल टिकट के लिए भी वहीं पे आपको टिकट काउंटर मिल जाएगा दोस्तों। तो ये है काडपट्टी रेलवे जंक्शन, जहाँ पे अभी हम खड़े हैं और हमारी ट्रेन आने वाली है बेंगलोर हटिया एक्सप्रेस, जो कि 2 घंटे पूरे लेट है। तो अभी हम यहाँ पे वेट करेंगे, उसके बाद दिखाएंगे आपको ट्रेन जर्नी। और ये है काडपट्टी जंक्शन के सामने का नज़ारा, आप जैसा कि देख सकते हैं ऑटो वाले सारे बैठे हुए हैं। और यहाँ पर आपको मिल जाता है छोटा सा पार्किंग 2-व्हीलर एंड 4-व्हीलर का भी, जैसा कि आप देख सकते हैं। और एक एम्बुलेंस हमेशा आपको यहाँ पे खड़ी मिलेगी। काडपट्टी स्टेशन आइएगा तो आपको ऑटो वाले जंगली जानवर की तरह नोच बैठेंगे, किधर जाना है किधर जाना है किधर जाना है, और अनाप शनाप आप लोगों से पैसा लेंगे दोस्तों। तो इसीलिए थोड़ा समझदारी से इनसे बात करें। और ये है दोस्तों काडपट्टी जंक्शन का अंदर का नज़ारा, कुछ इस तरह का स्टेशन है। और यहाँ पर देख सकते हैं वेटिंग के लिए सारे लोग बैठे हुए हैं, और हम भी यहीं पर बैठे हुए अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ज़्यादा बड़ा स्टेशन तो नहीं है, पर स्टेशन काफ़ी बिजी रहता है ये, क्योंकि विल्लौर जाने के लिए यही एक इकलौता स्टेशन है जो काफ़ी नज़दीक होता है सीएमसी हॉस्पिटल से। तो जो आप देख सकते हैं ये है काडपट्टी जंक्शन का नज़ारा, जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों। मैं हूँ काडपट्टी स्टेशन में, जैसा कि मैंने बताया भी आप लोगों को। तो अभी मैं था दोस्तों 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर, मेरे उस तरफ है 4 नंबर। जैसा कि हमें बताया जा रहा था कि हमारी जो ट्रेन है बेंगलुरु हटिया एक्सप्रेस 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली है, लेकिन अचानक से अनाउंसमेंट किया गया और बोला गया प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी। तो मैंने अभी देखा किस तरह से लोगों को दिक्कतें हुई दोस्तों, बुजुर्गों को, बड़ों को, सबको दिक्कतें हुई, और लोग बिल्कुल हड़बड़ाने लगे और पटरी के बीच से ही आने लगे दोस्तों। तो इस वजह से कई सारे हादसे भी हो सकते थे, सारे लोगों ने ब्रिज का भी यूज किया। लेकिन कहने का मतलब ये दोस्तों, ऐसे में कैसे चलेगा दोस्तों, ये हमारे इंडियन रेलवे का हाल होगा तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि प्लेटफॉर्म नंबर भी ठीक से यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है। ट्रेन तो लेट चल ही रही है, प्लेटफॉर्म नंबर तक भी ठीक से बताया नहीं जा रहा। तो ये है हमारे इंडियन रेलवे का हाल, तो आप देख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों हमारी ट्रेन जो है फिर से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने वाली थी, जो कि 3 पे आने लगी, फिर उसके बाद फिर से 5 पे आ रही है। इसी तरह से यात्रियों को पूरा परेशान किया गया है बार बार और बार बार। और अभी देख सकते हैं ये हमारी ट्रेन आ चुकी है, 2 मरतबा प्लेटफॉर्म को चेंज किया गया। एक बार बोला गया 4 पे आएगी, फिर 3 पे आएगी, फिर उसके बाद 5 पे बोला गया दोस्तों। इस वजह से यात्रियों को बहुत परेशानी हुई है, बहुत सारे यात्री हैं जो बहुत सारे परेशान हैं, उनका अभी जानेंगे उनका दिल। उससे पहले देखिए ट्रेन आ चुकी है हमारी, और इसी ट्रेन से हमें हटिया के लिए जाना है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारी ट्रेन जो है SMBT बेंगलोर हटिया एक्सप्रेस हटापट्टी स्टेशन से छूट चुकी है, और काफ़ी रेलवे के द्वारा सताने और तड़पाने के बाद हमारी ट्रेन चल पड़ी, जो कि 3 घंटे पूरी लेट है। और प्लेटफॉर्म के लिए भी बहुत कंफ्यूजन हुआ है हम सभी यात्रियों को, क्योंकि ये गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आने वाली थी। उसके बाद जो अनाउंसमेंट हुई उसके बाद बताया गया कि 3 पे आएगी, और उसके बाद फिर से एक
अनाउंसमेंट के बाद बोला गया कि 5 पे आएगी। इस तरह से यात्रियों को काफ़ी दिक्कतें आईं प्लेटफॉर्म पार करने में। लोग पटरी के बीच से ही प्लेटफॉर्म को पार कर रहे थे। हमारे भारतीय रेलवे का हाल, और ये है कटापटी जंक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस जंक्शन को हमारी ट्रेन छोड़ती हुई चल पड़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टेशन पे और दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हम इस ट्रेन पे बैठ चुके हैं और हमारी सफ़र शुरू हो चुकी है। और अभी हम है पुतलुट्टू स्टेशन में। छोटा सा एक स्टेशन है जहाँ पे लिखा हुआ है प्लेटफॉर्म, ये स्टेशन का नाम पुतलुट्टू। और ये अपनी ट्रेन है दोस्तों, बैंगलोर हटिया एक्सप्रेस, जो कि 3 घंटे पूरे लेट चल रही है। ट्रेन जो है दोस्तों काटपट्टी स्टेशन से 3 घंटा लेट चल रही है, और आगे भी शायद लेट ही चलेगी, क्योंकि 3 घंटा लेट है तो मेकअप करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और पूरा ट्रेन का दिनचर्या दिखाएंगे, और ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है यात्रियों को सारा दिखाएंगे आपको, और क्या क्या फैसिलिटी नहीं है ट्रेन में, क्या दिक्कतें आ रही है यात्रियों से भी बात कराएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पे। तो जैसा कि मैंने बताया, हम हैं SMTV बेंगलुरु हटिया एक्सप्रेस में, और हमारे साथ एक यात्री है जिनका नाम है, क्या नाम है? MD अहमद अंसारी। किधर को जा रहे हैं जी? मैं अभी तो केरपुरम टू हटिया का ट्रेवल कर रहा हूँ। तो कैसा लग रहा है ये ट्रेन जो है हमारा, यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ जो है, सुविधाएं जो सरकार के द्वारा दी जा रही है, कैसा लग रहा है? फैसिलिटीज़ तो नॉर्मल ही है, बिकॉज क्योंकि मैंने जब ये ट्रेन का टाइमिंग देखा केरपुरम में तो 9:05 में कुछ था समथिंग, 9:05, तो जबकि ये ऑलरेडी 2 घंटा डिले है, 2 घंटा, हाँ 2 घंटा डिले था वहाँ पे, बिकॉज मालूम नहीं क्या हो रहा है ये ट्रेन का। अभी भी आप हमारे व्यूअर जो देख रहे हैं उनको भी बताइए कि अभी भी हमारा 3 घंटा और भी लेट है। जी जी जी, और जहाँ तहाँ रुक रहा है पता नहीं, मालूम छोटे स्टेशनों पे भी रुक जा रहा है, जहाँ रुकना चाहिए वहाँ नहीं रुक रहा है। और अभी ट्रेन का भी हाल दिखाएंगे दोस्तों, किस तरह से बेसिन में पानी लबालब भरा हुआ है, बाथरूम गंदा है, यात्री परेशान है, करे क्या ना करे, पैसा तो पूरा लिया जा रहा है टिकट का, और सुविधाएं भी उस हिसाब से दी नहीं जा रही है, और रेट बढ़ाया जा रहे हैं और भी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और ये हमारे ट्रेन का अंदर का हाल दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अभी आपको लेके चलते हैं ट्रेन का, थोड़ा सैर कराते हैं अंदर का, किस तरह का ट्रेन है, और दिखाते हैं ट्रेन का हाल। चलिए दोस्तों चलते हैं। तो काफ़ी भीड़ भाड़ है इस बार ट्रेन में, क्योंकि आज है छठ पूजा का त्यौहार, हमारे भारत देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उस हिसाब से ट्रेन में काफ़ी भीड़ है, जिनका टिकट वेटिंग में है वो भी बैठे हैं, और जिनका कंफर्म है वो तो है ही है। और इसके साथ जनरल बोगी में भी काफ़ी ज़्यादा भेड़ बकरियों की तरह लोग बैठे हैं। अभी आपको मैं जनरल बोगी की तरफ भी लेके चलूँगा दोस्तों, और दिखाऊँगा जनरल बोगी का हाल। चलिए लेके चलते हैं आपको जनरल बोगी की तरफ, और दिखाते हैं हमारे भारतीय रेलवे का हाल। हाल है, और आप देख सकते हैं यहाँ है इस ट्रेन की जनरल बोगी, और आप भीड़ देख सकते हैं किस कदर से लोग भेड़ बकरियों की तरह बैठे हुए हैं। तो ये है हमारे भारतीय रेलवे का हाल, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जगह नहीं है दोस्तों जनरल बोगी में। लोग जो है बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह टूस टूस के भर के बैठे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। मुझे चलने के लिए भी जगह नहीं मिल पा रही है। और ये ट्रेन का नाम याद दिला दूं मैं दोस्तों, SMVT बेंगलोर हटिया एक्सप्रेस है, जो कि जनरल डब्बे में मैं देख दिखा रहा हूं आपको, ये जनरल डब्बे का नज़ारा। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग परेशानी के आलम में बैठे हुए हैं, क्योंकि इनको टिकट नहीं मिल पाई और ये जनरल डब्बे में सफ़र कर रहे हैं मजबूरी में। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भेड़ बकरियों की तरह लोग सफ़र कर रहे हो। इससे आगे भी जनरल बोगी है, पर मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं वापस अपने डब्बे पे। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों किस कदर की दिक्कतें आ रही है आम आदमियों को।
और आप देख सकते हैं ट्रेन का क्या हाल है दोस्तों, यहाँ यात्री गुटखा खा खा के थूक दिए हैं और ट्रेन को गंदा कर दिए हैं। यात्री भी कुछ कम नहीं है हमारे देश के, तो इस कदर का हाल है। लोग ट्रेन के ज्वाइंट पे बैठ के जा रहे हैं, जहाँ पे ट्रेन जुड़ती है वहाँ से बैठ के ट्रेन पे जा रहे हैं। और ये जो आप सफ़र देख रहे हैं दोस्तों, ये है काटपट्टी स्टेशन से हटिया स्टेशन के तक की सफ़र है ये दोस्तों। और आप देख सकते हैं ये आपको जो पहाड़ दिख रही है दोस्तों, ये साउथ इंडिया का पहाड़ आपको दिखाया जा रहा है। ये हम जो है अभी तमिलनाडु में, और इसके बाद जो है दोस्तों हम आंध्र प्रदेश स्टेट पे एंट्री कर जाएंगे दोस्तों। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, आप जैसा कि देख सकते हैं नेचर के करीब है ये नज़ारा दोस्तों। और ये सफ़र भी काफ़ी सुहाना है जैसा कि आप देख रहे हैं। और तिरुपति स्टेशन से दोस्तों हमारी ट्रेन जो है छूट चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये हमारी बोगी है, जो कि अब हमारी बोगी भी फुल हो चुकी है जनरल डब्बे की तरह। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे जगह पे काफ़ी सारे बच्चे बैठ चुके हैं और बिल्कुल भी जगह नहीं है दोस्तों। तो ये है हमारे बेंगलोर हटिया एक्सप्रेस का हाल, और हमारे टीटी भी आ चुके हैं दोस्तों जैसे कि आप देख। हमारी ट्रेन जो है रेणुगुंटा स्टेशन पे आ चुकी है जैसा कि देख सकते हैं, और भीड़ बढ़ती जा रही है हमारे ट्रेन में, जगह बिल्कुल भी नहीं है, खचमखच भीड़ होते जा रही है। हमने रिजर्वेशन टिकट ली है पर जनरल जैसा एहसास होने लगा है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं किस कदर की भीड़ होते जा रही है। और सारे लोग हमारी बोगी में घुस रहे हैं, क्या पता क्या हो गया है, हम उन लोगों को पसंद आ गए हैं, क्या हो गया देख सकते हैं कितना गर्दा भीड़ है दोस्तों। और इधर आंटी जी है सब्जी लेके चढ़ गई हैं बेचने के लिए, और अभी स्टेशन में दिखाता हूँ किस टाइप का स्टेशन है। जाओ 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 जाओ, छूट जाएगा नहीं तो। ये देखिए दोस्तों, ये है रेणुगुंटा रेलवे स्टेशन, जहाँ पे आपको केला मिल जा रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये हमारी ट्रेन है, और यहाँ से जो है सारे यात्री झांक रहे हैं। और ये देखिए, ये है स्टेशन का नाम रेणुगुंटा। तो लेके चलते हैं और फिर से अपने ट्रेन के अंदर, और दिखाएंगे नेक्स्ट स्टेशन में क्या नज़ारा है, और पूरी अपडेट देंगे ट्रेन की, तो बने रहिएगा वीडियो पे। और आप जो देख रहे हैं दोस्तों, ये हमारे ट्रेन का हाल, शाम हो चुकी है और अभी जो है 6 बजने वाला है। और हमारे ट्रेन का मैं अंदर का हाल दिखा रहा हूँ, काफ़ी भीड़ हो चुकी है क्योंकि वेटिंग वाले भी सारे जो है हमारे ट्रेन के अंदर आ चुके हैं, और पानी और मिक्सचर बिस्कुट और समोसा बेचने वाले तो परेशान करके रख चुके हैं हमें। और अभी बात कराएंगे आपको ट्रेन में बैठे लोगों से, जैसे कि देख सकते हैं मेरे सामने आयन सर के और भी पैसेंजर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से जो है हमारे ट्रेन का हाल और ट्रेन के बाहर का नज़ारा किस तरह। और अभी जो आने वाला है स्टेशन, उसका नाम है गुदरू जैक्सन। जी हाँ दोस्तों, गुदरू जैक्सन आने वाला है, तो वहाँ का भी आपको नज़ारा दिखाऊंगा, बने रहिए वीडियो पे। ये देखिए हमारे यात्री जो साथ में सफ़र कर रहे हैं, शर्मा रहे हैं, इनका नाम है प्रदीप यादव। प्रदीप यादव इनका नाम है, और ये बहुत ज़्यादा शर्मीले हैं। बहुत ज़्यादा शर्मा रहे हैं, ये इंटरव्यू देने से शर्मा रहा है। निसार के से बात। हाँ जी, ये जो ट्रेन है कान पकड़ते हैं बाबा, कुछ अच्छी बात यहाँ नहीं आएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी है। और सुपर फास्ट बोला गया है, देखो कितना फास्ट है, इसको फास्ट बोला जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे। और तो और ये रेलवे, इंडियन रेलवे का क्या हरकत है पता है, कि यहाँ पे जिसका टिकट हो गया वो तो ठीक है, और जो यहाँ पे बिना टिकट बैठा है यहाँ पे टीटी आके उसका टिकट बना देता है और सीट नहीं देता है। सफेद कपड़ा ओ, इसमें टिकट जिसका है उसको परेशानी होता है, तो इतना परेशानी कैसे झेले पैसेंजर बताइए आप लोग। और ये हमारे भाई है, और ये जो हमारे साथ में सफर कर रहे हैं, कहाँ जा रहे भैया? रांची हावड़ा। हावड़ा अखिया। ये भाई थोड़ा सा हेजिटेट हो गए हैं, इनको थोड़ा सा अभी कैमरा के सामने बहुत कम आते हैं, बहुत से लोग होते हैं ऐसा जो नहीं बोल पाते कैमरा के सामने। तो हटिया जा रहे हैं आप, तो आपको इस ट्रेन का सर्विस कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा खराब। जैसे क्या खराब लग रहा है? भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लेट चलता है। कितना देर का अभी लेट हो चुका है ये ट्रेन? लगभग ढाई घंटा। ढाई घंटा लेट हो चुका है, और आपको टाइम से पहुंचना है? हाँ टाइम पे पहुंचना है। घर जाके क्या करिएगा, सफर करिए।
और ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं फिर से एक नए स्टेशन में, जैसा कि आप देख रहे हैं। और इस स्टेशन का नाम है गुदरू स्टेशन, गुदरू जैक्सन। और ये जो है दोस्तों स्टेशन, ये आपको पड़ता है आंध्र प्रदेश स्टेट में। और अभी हम आंध्र प्रदेश में ही है और कल तक भी हम आंध्र प्रदेश में ही रहेंगे। और ये रात हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं, और प्लेटफॉर्म 4 पे हमारी ट्रेन रुकी है, जैसा कि मैं अब जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये 4 पे हमारी ट्रेन रुकी है, SMVT बैंगलोर हटिया एक्सप्रेस, जो कि एक्सप्रेस सिर्फ नाम की है, काफ़ी स्लो चल रही है, 4 घंटे लेट चल रही है हमारी ट्रेन। यात्री काफ़ी परेशान हैं और भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा है ट्रेन में, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है ट्रेन में, क्योंकि वेटिंग वाले पैसेंजर भी हमारे ट्रेन पर चढ़ चुके हैं, इस वजह से काफ़ी भीड़ हो चुकी है। एक एक सीट पर 5-5 लोग बैठे हुए हैं। तो पूरा सफ़र दिखाऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। नहीं नहीं नहीं, सोचिए मत, सब्सक्राइब कीजिए। और हम आ चुके हैं दोस्तों विजयवाड़ा स्टेशन, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी ट्रेन SMVT हटिया एक्सप्रेस 12836 विजयवाड़ा स्टेशन पे आ चुकी है। और अभी रात के बजे हैं 10:30, जो कि हमारी ट्रेन 4 घंटे लेट है। चलिए लेके चलते हैं फिर से आपको ट्रेन के अंदर। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब, गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। तो सुबह की शुरुआत हो चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं हम हैं SMVT बेंगलुरु हटिया एक्सप्रेस में, और अभी हम दोस्तों उड़ीसा एंट्री कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा स्टेट हम एंट्री कर चुके हैं, जहाँ पे जो जैक्सन पे हम, उसका नाम है रायगढ़, और इसके बाद जो जैक्सन आने वाली है वो केसिंगा है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, रात तो हमारी बहुत बेहतरीन गुजरी, तो और अभी दिन का भी सफ़र दिखाएंगे और सारे लोगों से मिलाएंगे, बात कराएंगे, जो भी यात्री इस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, और उनसे जानेंगे इस ट्रेन का क्या हाल है, कैसी फैसिलिटीज़ उनको मिली, कैसी सुविधाएं उनको मिली हमारे इंडियन रेलवे की तरफ से। तो बने रहिएगा वीडियो पे। अच्छा ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, और भी यात्रियों से बात करूंगा मैं, मेरे आसपास में जो बैठे हैं साथ में पैसेंजर, उनसे भी बात करूंगा और जानूंगा ट्रेन का क्या हाल था और कैसा लगा उनको रेलवे की सुविधाएँ। तो हमारे साथ एक अंकल जी बैठे हैं जो शुरू से सफ़र कर रहे, काटपट्टी स्टेशन से हमारे साथ सफ़र कर रहे, तो आइए इनसे जानते हैं इनको इस ट्रेन की सुविधाएं कैसी लगी और इंडियन रेलवे से कितना सेटिस्फाइड हो पाए। तो अंकल जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक कुमार नायक। दीपक कुमार नायक, किधर से हैं आप? मेरा गोमो। गोमो जी। और अभी आप किधर से आ रहे हैं? काटपाड़ी से भी आ रहे हैं, हटिया में उतरना है। तो ये जो SMVT बेंगलुरु हटिया एक्सप्रेस है, इसका आपको अनुभव कैसा लगा, एक्सपीरियंस इस ट्रेन का कैसा लगा, साफ सफाई कैसी लगी, बाथरूम का, बेसिन का, नल में पानी है या नहीं है, और भी इसमें भी और भी सुविधाएं जो भी हैं, लेकिन इसमें भी काफ़ी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसका नाम तो हटिया सुपर फास्ट है, लेकिन इसके इस चाल भी उतना अच्छी नहीं है, ये शुरू से ही 2 घंटा लेट चल रही है ट्रेन, और सुविधाएं भी उतनी अच्छी नहीं हैं, है काम चलाऊँ लेकिन उतनी भी अच्छी नहीं है, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मतलब अंकल जी का कहना है कि सुविधाएं हैं पर उतनी अच्छी नहीं, और भी इम्प्रूव किया जा सकता है, आम आदमियों को काफ़ी दिक्कतें आई हैं जी, और सुपर फास्ट ट्रेन नाम दिया गया सुपर फास्ट एक्सप्रेस, लेकिन उस स्पीड से नहीं चल रही है, बहुत धीमी चल रही है, नाम दिया गया सुपर कार का लेकिन चल रही है बैलगाड़ी की रफ्तार से, अंकल जी का यही कहना जी जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। तो और भी लोगों से बात करेंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। इधर जा रहे हो, नाम बताओ अपना। गर्वी गुप्ता। क्या नाम है? गर्वी गुप्ता। आप किधर जा रहे हो? घर। घर। खाना खाए? नहीं, नहीं खाया खाना। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, और भी लोगों से बात करेंगे, तो एक हमारे साथ हैं भाई जो सफर कर रहे हैं, उनका अपर स्लीपर है और काफी निराश है इस ट्रेन की सुविधाओं से और इंडियन रेलवे से, काफी इनके मन में भड़ास है, जो कहना चाहते हैं तो कहिए। चलिए आपको ट्रेन की सैर कराते हैं और दिखाते हैं किस तरह से
लोगों को परेशान किया इस ट्रेन में। देखिए हमारे साथ एक भाई है जो कुछ कहना चाहते हैं। पहले इतना ज्यादा ये स्लीपर में बहुत ज्यादा परेशानी होता था, अभी अच्छा है जो कि बाथरूम भी जाने में अच्छा लगता है, इधर उधर जाने में भी अच्छा लग रहा है। बस यही चाहिए और क्या, 4 महीना पहले ही रिजर्वेशन करते हैं इसलिए कि क्योंकि हम लोग शांति से जा सके। अभी इस तरह किया है तो बहुत अच्छा लग रहा है, वेटिंग वाला सीन हटाया उससे अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है वेटिंग वाला सीन हटाया। हाँ आ रहे जा रहे तो थोड़ा बहुत अभी ध्यान नहीं दे रहा टीटी लोग, ये लोग भी तो फाइन मार के अभी ये सब मना कर रही, फिर भी टीटी लोग उसको फाइन दे करके लेके जा रहा है। ये सिस्टम पता नहीं कब बंद होगा, थोड़ा बहुत तो बंद है लेकिन पूरा बंद हो जाए तो और अच्छा रहेगा सभी के लिए। मेरा नाम सौरभ कुमार राव है, मैं झारखंड। तो ये थे एक यात्री सौरभ कुमार जो कि इस ट्रेन में थे और इनका कहना है कि रिजर्वेशन होने के बाद जो वेटिंग वाला सीन है वो जब से बंद हुआ है तब से बड़ा अच्छा है। और ये हमारे एक और भाई है तो इसी तरह से और भी लोगों से बात करेंगे दोस्तों, तो बने रहिएगा हमारे चैनल पे। नहीं सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देख सकते हैं किस तरह से यात्रियों ने ट्रेन को गंदा कर रखा है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं हमारे यात्री भी कुछ कम नहीं है। और ये देख सकते हैं किस तरह से हमें देख के मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित खड़िया। सुमित, हाँ कहाँ जा रहे हैं? झारखंड हटिया। हटिया, थोड़ा माइक को पीछे करके बोलिए, थोड़ा इधर कर लीजिए। हाँ हटिया जा रहे हैं। हाँ हटिया। तो क्या घूम रहे हैं आप ट्रेन में? एक जगह बैठ जाओ। एक जगह कहाँ, स्थान नहीं है, टिकट का है कंफर्म टिकट, उसमें भी ज्यादा भीड़ है। कंफर्म टिकट नहीं मिला है? नहीं नहीं, कहाँ मिलेगा इधर, कंफर्म टिकट है, कंफर्म टिकट है, उसमें भी बैठने का जगह नहीं मिल रहा। अच्छा, कंफर्म टिकट है फिर भी बैठने का जगह नहीं मिल रहा? नहीं नहीं। अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं बोलिए। दरवाजे के पास में बैठ के जाना पड़ रहा है। तो आपका सीट पे कौन बैठ गया है? दूसरा लोग है। दूसरा लोग को आप दान दे दिए, क्या कर रहे हैं? बहुत महान आदमी आप। तो क्या बोलना चाह रहे हैं रेलवे को, कुछ बोलना चाहते हैं इंडियन रेलवे को? उसको और सुधारना चाहिए, कुछ करना चाहिए। क्या करे, ट्रेन बार लंबा कर दे? लंबा नहीं, सबको अच्छा से साफ सुथरा के लिए भी बोलना चाहिए, साफ सफाई के लिए बोलना चाह रहे हैं। ये थे एक पैसेंजर जो अपना हले दिल बयां कर रहे थे हमसे और अपना दर्द बता रहे थे। और ट्रेन अचानक से बहुत हिल रही है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं ऐसा लग रहा है कि ट्रेन पटरी पे नहीं रोड पे चल रही है। और फिर से घूमते घामते अपने कोच पे हम आ गए हैं और देख सकते हैं अभी तक आयान सार के सोया हुआ। उठो जी, चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। उठो, टाइम हो गया, उठो। क्या कर रहा है? हाँ घर नहीं आया अभी, रेल में। और देख सकते इधर भी बहुत ज्यादा भीड़ है जो कि भाई लोग जो है किस कदर की भीड़ है, इनको टिकट नहीं मिल पाया तो ये दरवाजा में खड़े होके जा रहे हैं। तो और भी लोगों से मिलवाएं आपको, चलिए। बहुत दिक्कत है हमारे भारतीय रेलवे की, परेशानी है, देख सकते इधर भी टिकट भाई लोग को नहीं मिल पाया है, इस वजह से ये लोग इस तरह कदर के बैठ के जा रहे हैं। टिकट नहीं मिला क्या? कंफर्म टिकट नहीं मिल पाया? नहीं। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है, इसीलिए दिक्कत हो रहा है ना, बाहर है बैठ के जा रहे। इधर देखो ना जी, मचा ले तुम, मचा ले। और ये जो स्टेशन का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, इस स्टेशन का नाम है केसिंगा। जी हाँ दोस्तों, ये उड़ीसा में आती है और ये इस स्टेशन का नाम है केसिंगा। और यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी जो है यहाँ पे गिट्टी बालू गिरे हुए हैं और मजदूर जो है काम कर रहे हैं। तो हमारी ट्रेन जो है बेंगलुरु हटिया एक्सप्रेस केसिंगा पे आ चुकी है और ये अभी हमारी ट्रेन छूटने वाली है, तो अभी ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो हमारी ट्रेन जो है दोस्तों केसिंगा स्टेशन से छूट चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस स्टेशन पे अभी काम चल ही रहा है, यहाँ पे जो है अंडरग्राउंड ब्रिज बनाया जा रहा है, जैसा मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मसाला बनाने वाला मशीन चलाया जा रहा है। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, हमारी गाड़ी तितलागढ़ पे रुकी है और आधे घंटे से रुकी है दोस्तों, पता नहीं आगे में लाइन क्लियर है कि नहीं, ये कोई
आइडिया नहीं है मेरे को, लेकिन अभी आधे घंटे से हमारी गाड़ी रुकी। और तितलागढ़ की एक अच्छी बात मैं बताता हूँ इस स्टेशन की, यहाँ पे आपको मुफ्त मिल जाता है बहुत ही ठंडा पानी पीने लायक, बिल्कुल ठंडा पानी, जैसा कि आप देख सकते हैं लोग लाइन लगा के पानी लेने के लिए लाइन लगे हुए हैं। तो ये स्टेशन की बहुत खूबसूरत चीज मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था, जो कि बहुत कम ही स्टेशन में ऐसा होता है कि आपको पीने लायक पीने योग्य ठंडा पानी मिले। तो ये तितलागढ़ में आपको मिला है, और तितलागढ़ आता है उड़ीसा स्टेट में। तो अभी जैसे ही हमारी ट्रेन चलेगी तो मिलते हैं आपसे। हमारी गाड़ी तितलागढ़ से छूट चुकी है, पूरी आधा घंटा यहाँ पे रुकी गाड़ी हमारी, और पहले से ही हमारी गाड़ी लेट चल रही थी और भी लेट करते जा रही है। तो ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस की जगह ये सबसे स्लो फास्ट एक्सप्रेस हो चुकी है। और ये तितलागढ़ का स्टेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेशन को भी दिखाऊंगा, तो बने रहे वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बलांगीर स्टेशन में, और यहाँ पे दोस्तों पहुंचा है बिल्कुल ढाई घंटा लेट ये स्टेशन में, जो आप देख सकते हैं ये जो ट्रेन है जो कि दोस्तों संभवती हाटिया एक्सप्रेस जिसको बोला जा रहा है, तो ये दोस्तों जो टाइम से बिल्कुल भी नहीं चल रही है। और दोस्तों आप लोगों को तो पता है भारतीय जो रेलवे है उसका क्या हाल है दोस्तों, बिल्कुल भी टाइम से नहीं चलती है। और यहाँ पे और भी यात्री है दोस्तों, आइए इनसे जानते हैं कि इनको क्या एक्सपीरियंस हुआ है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजीत है। और कहाँ जा रहे हैं भैया आप? हटिया जा रहे हैं भैया। हटिया जा रहे हैं, तो कितने बजे चढ़े आप ट्रेन में? लगभग 12 बजे चढ़े हैं भैया। 12 बजे चढ़े, कहाँ से? बेंगलोर रेलवे स्टेशन। और वहाँ कितने बजे चढ़ना था आपको? 8:50 में चढ़ना था। 8:50 में चढ़ना था गाइस, समझ सकते हैं कितना लेट आखिर किया ये ट्रेन। और अभी कितने बजे आपका ट्रेन मतलब की जा हटिया स्टेशन, वहाँ कितने बजे पहुँचाएगी? 9 बजे। 9 बजे पहुँचाएगी। और कितने बजे पहुँचाना था? पहुंचाना तो था 6 बजे। 6 बजे पहुंचाना था दोस्तों, लेकिन अभी हम लोग आधा भी नहीं पहुंचे हैं, और अभी आप समझ सकते हैं कि ये जो ट्रेन है 3 घंटा लेट चल रही है, और आगे और भी लेट होगी दोस्तों। बहुत ही घटिया है इसका जो भारतीय रेलवे है, बहुत ही घटिया चल रहा है दोस्तों, ये नहीं सुधर सकता है कभी भी। जैसा कि देख रहे दोस्तों, ये है राहुल किला का स्टेशन, और अभी के बजे हैं 5, और अब हम पहुंच चुके हैं राहुल किला स्टेशन में। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है राहुल किला स्टेशन। तो हमारी ट्रेन जो है दोस्तों अभी जो है 3 घंटे लेट है, इससे पहले भी 3 से 4 घंटे लेट थी, और हमें 6 बजे पहुँचाने वाली थी हटिया जंक्शन, जो कि हमें 9 बजे रात तक पहुँचाएगी। तो ये है राहुल किला का स्टेशन, और ये हमारे मित्र हैं जैसे कि आप देख रहे हो, और अभी हम जा रहे हैं ट्रेन के अंदर कैंटीन में चाय पीने के लिए। देखिए ये दोनों भाई हमारे बैंगलोर के हैं। दोस्तों हमने चाय पी ली, और ये है इस ट्रेन का कैंटीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ कैंटीन, यहीं पे खाना पकाया जाता है जैसा कि आप देख रहे हैं सारा, अभी यहीं पे चाय बनाया गया था और हमें पिलाया गया था। और अभी जो है राहुल किला स्टेशन गुजर चुका है, पार हो चुका है राहुल किला स्टेशन, अब है जो है बानो स्टेशन, और उसके बाद हटिया स्टेशन आने वाला है। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं ट्रेन में भीड़ खचम खच है, भीड़ कम नहीं हुई है दोस्तों। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ट्रेन में कैसी भीड़ होगी शुरुआत। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, हमारी ट्रेन SMVT बेंगलुरु हटिया एक्सप्रेस बानो पार कर चुकी है, और कुछ ही देर में हम हटिया पहुंचने वाले हैं। और अभी आपको दिखाते हैं ट्रेन का नज़ारा, देख सकते हैं जितने भी पैसेंजर हैं सब अपने अपने सामान को पैक कर चुके हैं और बिल्कुल रेडी हो चुके हैं हटिया पहुँचने के लिए, क्योंकि ये ट्रेन बहुत ही तड़पा तड़पा के हमें लेके आई है। तो इसीलिए पैसेंजर जो हैं वो 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहते ट्रेन में, बस हटिया पहुँचेगी और ये अपने सामान के साथ बाहर आ जाएंगे ट्रेन से। तो देख सकते हैं किस कदर की तैयारी हो चुकी है ट्रेन से बाहर आने। देख सकते हैं दोस्तों हमारी ट्रेन जो है फाइनली हटिया स्टेशन पहुंच चुकी है, और ये ट्रेन दोस्तों पूरी 2 घंटे लेट पहुंचाई है दोस्तों हमें। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन का मैं एक बार और नाम याद दिला दूं आपको, SMVT बेंगलुरु हटिया एक्सप्रेस दोस्तों, और ये गाड़ी बेंगलोर से चली थी दोस्तों, जो कि पूरे 2 घंटे लेट पहुंचाई है। अभी मिलते हैं आपको हटिया स्टेशन के बाहर, तब तक के लिए जोहार झारखंड।